बिना उमरा ये जायरीन करेंगे ग्रैंड मस्जिद की पहली मंजिल में तवाफ। नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सऊदी गेजेट के मुताबिक सऊदी अरब सरकार जल्द ही उमरा करने वालों के अलावा अकीदतमंदों को भी ग्रैंड मस्जिद में तवाफ करने की अनुमति देगी। इतमराना और तवक्कलाना ऐप पर जल्द ही नई सुविधा तवाफ ऐप कैटेगरी बतौर जोड़ दी जाएगी, ताकि गैर उमरा अकीदतमंदों को तवाफ सुन्नत के लिए अपॉइंटमेंट की सुविधा मिल सके। हज और उमरा सुरक्षा के लिए विशेष बलों के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बस्सी के अनुसार हरम मस्जिद की पहली मंजिल गैर उमरा अकीदतमंदों के तवाफ को समर्पित होगी। ये सुविधा ऐप पर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अल बस्सी ने कहा कि गैर उमरा तीर्थयात्रियों के तवाफ के लिए दिया गया समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच या नमाज के अलावा बाकी समय में मिलेगा। अलबस्सी ने कहा कि तवाफ यानी काबा के आसपास का इलाका और मस्जिद अल हरम की पहली मंजिल की सुविधा के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिससे बड़ी संख्या होने पर कोई असुविधा ना हो। ये सुविधा गृह मंत्रालय के इस ऐलान के आधार पर मिलेगी, जिसमें पिछले महीने हरम मस्जिद को उमरा यात्रियों और अन्य अकीदतमंदों को पूरी तरह छूट की मंजूरी दी गई है। कहा गया है कि सभी जगह सर्वोत्तम सेवाएँ और सुविधाएँ दी जाएंगी, जिससे उमरा या गैर उमरा अकीदतमंद अपने अनुष्ठान आसानी से और आराम से कर सकें। इसी के तहत दोनों एप्लीकेशन पर उमरा यात्रियों को अल असबत को चूमने, यमनी कोने को छूने और हिज्र इस्माइल में नमाज अदा करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के विकल्प भी मिलेंगे। इन नई सुविधाओं को दोनों पवित्र मस्जिदों से जुड़े अरकान से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भी सावधानियों और निवारक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सऊदी अरब में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में ढील दी गई है, फिर भी तीर्थयात्रियों को अभी भी हर समय मास्क पहनना जरूरी होगा। हालांकि इस बीच कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, जिससे एक बार फिर सख्ती की संभावना जताई जा रही है।